हेलो दोस्तों, मैं हूं अवेश और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच में 12th महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट लग चुका है। ये रिजल्ट अराउंड 2 महीने के लेट आया है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना महामारी की वजह से पेपर चेकिंग वगैरह में सब में लेट हुआ था। वैसे देखा जाए तो लॉकडाउन लगने से पहले 12th के सारे एग्जाम हो चुके थे। 10th का जरूर एक पेपर रह गया था, लेकिन 12th के सारे एग्जाम हो चुके थे कोरोना में लॉकडाउन लगने के पहले ही। तो आज 16 जुलाई 2020 को 1 बजे 12th का महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट लगा है। आप अपना रिजल्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उससे चेक कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अमरावती के अंदर में अमरावती जो बोर्ड है उसका क्या नंबर आया है पूरे स्टेट के अंदर में, और बाकी स्टेट बाकी जो डिवीजन है उनका क्या रैंक आया है इस महाराष्ट्र बोर्ड के 12th के रिजल्ट में। और साथ ही हम आपको राजकमल चौक से तो रेलवे स्टेशन इरविन चौक तक के का वीडियो दिखाएंगे कि लॉकडाउन के अंदर में कोरोना वायरस के महामारी के अंदर में क्या हाल है इन सड़कों का। और साथ ही हम आपको आज 16 जुलाई 2020 तक कितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हुए अमरावती का, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल महाराष्ट्र की। टोटल 14,20,575 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से 14,13,687 स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जाम में, जिसमें से 12,81,712 स्टूडेंट पास हुए हैं, जो कि 90.66% होता है। टोटल महाराष्ट्र के अंदर में 90.66 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। फ्रेश स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। ओवरऑल महाराष्ट्र का काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा है 12th का इस कोरोना महामारी के बीच भी। जैसे कि आपको बताऊंगा, एग्जाम 12th के कोरोना महामारी यानी लॉकडाउन लगने से पहले हो चुकी थी। रिजल्ट जरूर लेट आया है, लेकिन एग्जाम पहले हो चुकी थी। अब बात करते हैं हम रैंक वाइज डिवीजन की, कि किसका डिवीजन फर्स्ट पर आया है, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही। तो सबसे पहले आता है कोकण की बात। कोकण में स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी डिवीजन, और यहाँ पर हमेशा की तरह ये फर्स्ट आया है। 92.42% यहाँ के पास हुए हैं स्टूडेंट। उसके बाद नंबर आता है पुणे का। पुणे का परसेंटेज आया है नंबर ऑफ पास परसेंटेज के अंदर में 92.50%। उसके बाद कोल्हापुर के अंदर 92.42%। और हमारा अमरावती जो है डिवीजन जो है, जिसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट मिलकर ही अमरावती डिवीज़न बना है। तो अमरावती जो है 4थे स्थान पर खड़ा है महाराष्ट्र के अंदर में, और अमरावती के अंदर 92.09% स्टूडेंट पास हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। कुछ पॉइंट से देखा जाए तो अमरावती नीचे रह गया, नहीं तो फर्स्ट पर भी आ सकता था। इसके बाद आता है नागपुर का नंबर 91.65%। उसके बाद आता है लातूर जो है 89.79। उसके बाद हमारी महाराष्ट्र की कैपिटल और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, इस मुंबई डिवीज़न आता है ये पूरा, इसमें 89.35% स्टूडेंट पास हुए हैं। उसके बाद नासिक में 88.87, और सबसे लास्ट में औरंगाबाद डिवीज़न में 88.18% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ये है हमारे महाराष्ट्र के 12th बोर्ड का रिजल्ट का हाल। आप अपना रिजल्ट इंडिविजुअली दी गई हुई लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर चेक कर सकते हैं। अब हम अमरावती डिस्ट्रिक्ट के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा बताएंगे। कल जब हमने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था तो 1000 पेशेंट हो चुके थे, और उसके बाद से अब तक टोटल जो पेशेंट का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 1072 हो चुका है। यानी पिछले अराउंड 36 घंटों में 72 पेशेंट मिल चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है अमरावती शहर के लिए। कल मॉर्निंग में सबसे पहले रिपोर्ट आई तो 27 पेशेंट मिले थे, उसके बाद रात में जो पेशेंट रिपोर्ट आई उसमें 32 पेशेंट मिले। इस तरीके से टोटल 61 पेशेंट कल 15 जुलाई 2020 को मिले, और जब आज मॉर्निंग हुई तो आज 13 और पॉजिटिव पेशेंट मिले। इस तरीके से यह आंकड़ा 1072 हो चुका है। अभी रात की रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए नंबर और बढ़ सकता है 16 जुलाई में। हम जब आफ्टरनून में ये वीडियो बना रहे हैं तो आंकड़ा 1072 पहुँच चुका है। हम आपको शॉर्ट में थोड़ा हॉटस्पॉट बता देते हैं कौन कौन से है। कवर नगर, कैलाश नगर, सेंट्रल जेल परिसर, अंजनगांव, सुरजी, कारंजा लाड़, कवर नगर, चांगापुर, टाकड़ी जाहिर, कैलाश नगर, प्रभात कॉलोनी, कैलाश नगर, पार्वती नगर, कवर नगर, गुलिस्ता नगर, खापरी, कवर नगर, महेश नगर, कवर नगर, मीड़चाल, धनोज, विजय, महावीर नगर, भीम नगर, कैलाशपुरा, SRPF कैंप, पूर्णा नगर, सराफा बाजार, मधुबन लेआउट, अंजनगांव सुरजी, कृष्णा नगर, कैसलापुर, यावली नगर, राहुल नगर, हनुमान नगर, पठान चौक, गावड़े नगर, श्रीनाथ वाड़ी, दशहरा मैदान, कवर नगर, राजापेट, दारोगा प्लाट, सिद्धेश्वर गुरुनगर, दारोगा प्लाट, इतवारी, ताज नगर, दारोगा प्लाट, कवर नगर, मौलापुरा, शक्कर साथ,
सूरज नगर, राहुल नगर, रामपुरी गेट, पूर्णा नगर, अंबिका नगर, नागपुरी गेट, हनुमान नगर, निषाद कॉलोनी, पैराडाइज कॉलोनी, अंबिका नगर। इस तरीके से हमने अभी आपको कल से आज तक के जो हॉटस्पॉट बने हैं उसका शॉर्ट में आपको एरिया के नाम बता दिए हैं। डिटेल में बताने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर डेडिकेट वीडियो बनाया जाए जैसे हम पहले बनाते थे हर एरिया के बारे में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमारे पास में टाइम की कमी होती है। इसलिए हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ये हॉटस्पॉट है, आप खुद इनसे सीख सकते हैं और यहाँ पर जाने से अवॉइड कर सकते हैं। अभी भी शहर के बहुत सारे इलाके कोरोना मुक्त है, तो हम चाहेंगे कि इसको कोरोना के जो हॉटस्पॉट बने हैं उनको रोक दिया जाए इस हॉटस्पॉट के अंदर में, और जनता कर्फ्यू का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इससे हम इस कोरोना महामारी से अमरावती को दूर रख सकते हैं। अभी आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं हम इरविन चौक पर पहुँच रहे हैं और आपने काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा देखा होगा रेलवे स्टेशन के पास का, फ्लाईओवर से होते हुए हम अभी पंचवटी की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा लगता है ये। और इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हमने आज आपको अमरावती ज़िले के कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा दिया और साथ ही हमने आपको महाराष्ट्र बोर्ड के 12th का जो रिजल्ट आया है उसका आंकड़ा भी दिया। अमरावती 4th पोजीशन में है, जो लोग पास हुए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।